हेलो स्टूडेंट, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर के छात्रों के लिए उनका जो प्रैक्टिकल वर्क चल रहा है उसमें हम प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपों का अध्ययन कर रहे हैं। किस प्रकार से प्रक्षेपों की रचना की जाती है उसका अध्ययन चल रहा है। उसी क्रम में हम आज एक नया प्रक्षेप जिसका नाम है समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप यानी साइक्लिकल एरिया प्रोजेक्शन, इसकी आज हमें रचना करनी है। इसकी रचना करने के लिए हम इसमें प्रश्न जो दिया गया है वो आर एफ 1:25 करोड़ पर एक समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए। इसका अंतराल 15 डिग्री है, यानी ये प्रश्न दिया गया है जिसके आधार पर इस प्रक्षेप की हमें रचना करनी है। और वो प्रश्न जो दिया गया है आर एफ यानी प्रदर्शित बिंदु 1:25 करोड़ पर एक समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका अंतराल 15 डिग्री है। ये प्रश्न दिया गया है और इसके आधार पर हमें इस प्रक्षेप की रचना करनी है। तो इसकी रचना करने से पहले हमें इसमें तीन चीजें निकालनी होती हैं। सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या निकालते हैं, यानी घटाए गए वृत्त का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे दिए गए मापक का हर, जो कि ये सूत्र है जो कि हम पहले प्रक्षेपों में भी पढ़ते आए हैं। तो इसमें r बराबर जो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है उसमें जो दिया गया है वो 635 या 6 इसमें दियो बटे ये जो इसका हर है दिए गए मापक का हर यानी 25 करोड़ का हम इसमें भाग दे देते हैं। और भाग देते हैं तब ये जो दूरी निकल के आती है वो 2.54 सेंटीमीटर यानी ये इसकी त्रिज्या निकल के आई। त्रिज्या सबसे पहले त्रिज्या निकालते हैं। इसके बाद दूसरी जो चीज है वो भूमध्य रेखा की लंबाई, भूमध्य रेखा की लंबाई बराबर भूमध्य रेखा की लंबाई निकालने का जो सूत्र है वो 2πr, जो सूत्र है वो 2πr ये इसका सूत्र है। अब इसमें 2 × π का मान अपन जानते हैं 22/7 × r, r अपन पहले निकाल चुके हैं, ये त्रिज्या 2.54। ये हल करते हैं तो भूमध्य रेखा की लंबाई आती है, पहली चीज हम निकालते हैं r त्रिज्या, दूसरी इसमें निकालते हैं भूमध्य रेखा की लंबाई। और भूमध्य रेखा की लंबाई निकालने का जो सूत्र है वो है 2πr। 2 ये आ गया, पाई का मान हम जानते हैं 22/7 × r जो है ये हम पहले निकाल चुके हैं और ये यहाँ पर हम रख देते हैं 2.54। और ये भूमध्य रेखा की जो लंबाई निकल के आती है वो 15.95
सेंटीमीटर, ये भूमध्य रेखा की लंबाई निकल के आती है। तीसरी चीज जो हम इसमें निकालते हैं वो दो देशांतरों के मध्य की दूरी, दो देशांतरों के मध्य की दूरी, यानी तीसरी जो चीज हमें इसमें वो दो देशांतरों के मध्य की दूरी को हम निकालते हैं, और इसका जो सूत्र है वो 2πr गुणा अंतराल बटे 360। इसका जो सूत्र है 2πr गुणा अंतराल बटे 360, यानी दो देशांतरों के मध्य की दूरी जो निकाली जाती है उसका जो सूत्र है वो है 2πr गुणा अंतराल बटे 360। अब हम जानते हैं उसको अगर हल करें तो 2πr हम यहाँ निकाल चुके हैं, और उसका जो मान होता है इसमें 15.95 गुणा अंतराल जो है ये हमारा 15 डिग्री है, 15, और इसमें हम भाग ले लेते हैं 360 का। 15.95 गुणा 15 अंतराल है और इसमें 360 का हम भाग ले लेते हैं, तो ये जो निकल के आता है 0.67 सेंटीमीटर, ये दूरी निकल के आती है। तो इसमें प्रक्षेप की रचना करने से पहले हम इसमें ये तीन चीजें जो है इनका विशेष ध्यान रखेंगे जो हमें शुरुआत में इनमें निकालनी होती है। सबसे पहले आर, जो कि हम इसका भी सूत्र जानते हैं कि घटाए गए वृत्त का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे दिए गए मापक का हर, जो ये दिया गया इसका जो हर है का, इसका हम इसमें भाग ले लेते हैं पृथ्वी के वास्तविक अर्धव्यास में, तो ये निकल के आ जाती है त्रिज्या आर। इसके बाद हम दूसरा जो निकालते हैं वो भूमध्य रेखा की लंबाई, भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करने का जो सूत्र है वो 2πr, हम इसमें 2 ये आ गया गुणा ये पाई का मान 22/7 होता है गुणा आर, हम पहले निकाल चुके हैं उसका ये मान रख लेते हैं, तब ये 15.95 सेंटीमीटर ये भूमध्य रेखा की लंबाई आती है। इसके बाद तीसरी जो है वो दो देशांतरों के मध्य की दूरी, जो हम देशांतर रेखाएं खींचेंगे उन देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए वो दूरी हमें निकालनी है, और वो दूरी निकालने का जो सूत्र है वो है 2πr गुणा अंतराल बटे 360। अब 2πr ये हम पहले निकाल चुके हैं तो उसका मान हम यहाँ रख देंगे 15.95 गुणा अंतराल इसका 15 डिग्री का है, तो हम 15 ये लिख देंगे और उसका भाग 360 का इसमें दे देते हैं, तो ये इसका मान जो सूत्र आता है। अब हम इसको लिख लेते हैं, एक तरफ r बराबर 2.54 सेंटीमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई बराबर 15.95 सेंटीमीटर देशांतरों के मध्य की दूरी, देशांतरों के मध्य की दूरी 0.67 सेंटीमीटर ये आती है। अब इसके बाद हम इस प्रक्षेप की रचना करेंगे, इस प्रक्षेप का अब हम निर्माण करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले जो इसमें आर त्रिज्या आती है 2.54 सेंटीमीटर, ये प्रकार और पेंसिल में ये दूरी हम भरेंगे, और एक अर्धवृत्त
एक अर्धवृत्त बनाएंगे। इसको ये कर दिया, इस तरीके से एक अर्धवृत्त यानी जो त्रिज्या है ये आर 2.54 सेंटीमीटर, ये दूरी आप अपने प्रकार पेंसिल में भरेंगे और इस पे आप एक चौथाई वृत्त बनाएंगे। इसके बाद हम इसमें चांदा रखेंगे और चांदा रख के इसके 15-15 डिग्री के अंतराल, क्योंकि अंतराल जो हमारा दिया है वो 15 डिग्री दिया है, तो इसके 15-15 के हिसाब से आप चांदा से 15, 30, 45, 60, 75 और ये नंबर हो गया। इसी तरीके से दूसरी तरफ चांदा रख के 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90 डिग्री हो जाता है। अब इसके समान यानी ये को ये आपका ए और ये बी हो गया, ए और बी के समानांतर आप यहां एक सीधी लाइन खींचें और जो भी इसमें कोण बने हैं उससे आप सीधे इस पर लंब डालेंगे इस तरीके से। ऐसे ही लक्ष्य हम अब यहां से जो 0 डिग्री यहां से मध्य रेखा की जो लंबाई है आपकी 15.95 सेंटीमीटर सीधी आप लाइन खींचेंगे और इसके समानांतर एक ये लाइन खींच जाएगी, ये आपका 0 डिग्री अच्छा अंश रेखा बन जाएगा, 0 डिग्री अच्छा अंश। अब इसको आप सीधे इसमें मिलाना है 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90। ऐसे ही दक्षिण में 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90। ये आपका नॉर्थ और ये साउथ, ये उत्तरी अक्षांश हो जाएंगे और ये दक्षिणी अक्षांश, ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो यहाँ से सीधी खींची जाती है। अब इसके बीचों बीच ये आपके अक्षांश रेखाओं का निर्माण हो गया। अब इसके दो भाग कर दो जिससे अब हमें ये अक्षांश बन गए, हमें देशांतर रेखा का निर्माण करना है। हम ये भी जानते हैं अक्षांश 0 से 90 उत्तर में होते हैं और 90 दक्षिण में होते हैं, देशांतर जो है वो 360 होते हैं टोटल, यानी 0 डिग्री देशांतर से 180 पूर्व में और 180 पश्चिम में। इस तरीके से इसमें अगर 12-15 का अंतराल है तो 15-15 के अंतराल से, जैसे 15-15 के अंतराल से ही हमने अक्षांशों का निर्माण किया है, उसी तरीके से 15-15 के अंतराल से हम देशांतर रेखाओं का भी निर्माण करेंगे। अब ये आपका 0
डिग्री देशांतर रेखा हो गई। अब यहां से आप सूरत की तरफ जो 0.67 सेंटीमीटर के हिसाब से इस रेखा को बराबर भागों में बांटना है। देशांतर रेखा का निर्माण ये आपके 35, 45, 165, 165, 165, 165, 165 और इसके बाद ये 180, ये ईस्ट 15-15 के अंतराल से ये बन जाएंगे। इसी तरीके से पश्चिम में भी 150 और ये 165 और ये हो जाएगा 180 वेस्ट। इस तरीके से ये आपके सम क्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप की रचना होती है। यानी इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये जो त्रिज्या है आर 2.54 सेंटीमीटर की, ये दूरी आपको अपने प्रकार और पेंसिल में भरनी है और ये दूरी अपने प्रकार पेंसिल में भर के एक अर्धवृत्त बनाना है। एक आपको अर्धवृत्त की रचना करनी है। अर्धवृत्त बनाने के बाद आपको इसके चांदे की सहायता से इसमें आपको अंतराल दिया गया है 15 डिग्री का। हो सकता है 30 का भी अगर अंतराल दिया जाए तो इसको 15 की जगह 30-30 के कोण बनेंगे। 15 के जगह अगर 30 दिया गया है तो 30-30 के इसमें कोण बनेंगे। लेकिन इस प्रश्न में आपने 15 डिग्री अंतराल दिया गया है तो चांदे से इसमें 15-15 के 15-30, 45-60, 75 और ये 90 उत्तर में और 15-30, 45-60, 75, 90 दक्षिण में ये बनेंगे। अब ए और बी ये जो लाइन है इसके समानांतर इसके जो 0 डिग्री है इससे आप रेखा खींचिए और जितने भी कोण त्रिज्या पर है उनसे त्रिज्या से आप लंब डालिए और उन लंबों को आगे तक ले जाइए। जो भूमध्य रेखा की लंबाई है वो भूमध्य रेखा की लंबाई आपको खींचनी है और उसके बाद जितने भी लंब पड़े हैं उससे आपको ये लाइनें यानी अक्षांश रेखाओं का निर्माण करना है। 90 डिग्री अक्षांश उत्तर में और 90 डिग्री अक्षांश दक्षिण में। इसके बाद ये आपके अक्षांशों का निर्माण हो गया। इसके बाद हम देशांतर रेखाओं का निर्माण करेंगे। देशांतर रेखाओं के निर्माण में जो टोटल भूमध्य रेखा की लंबाई दी है उसका हम आधा कर देते हैं बीचों बीच से, जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा हम कहते हैं, जिसको हम प्रधान या उत्तर या ग्रीनविच रेखा के नाम से भी हम उसको जानते हैं। अब दो देशांतरों के मध्य की दूरी हमने निकाली है 0.67 सेंटीमीटर। यानी इस तरीके से हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 भागों में ये डिवाइड करनी है हमें बराबर भागों में। और इस तरीके से फिर 0 से 15, 20, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 155, 160 इस 15 के अंतराल से आपको देशांतर रेखा पूर्व में और उसी 15 के अंतराल से देशांतर रेखा पश्चिम में खींचनी है। तो इस तरीके से ये सम क्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप की
रचना होती है। थैंक यू।